गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर आज फिर आप लोगों के लिए आज फ्रेजल वर्ब का ही एक निमोनिक ट्रिक लाया हूँ। अभी तक मैंने आपको फ्रेजल वर्ब का निमोनिक ट्रिक दिया है, एडियम्स का निमोनिक ट्रिक दिया है, कुछ प्रीपोजिशन का भी निमोनिक ट्रिक दिया है, और अब मैं आप लोगों को जो निमोनिक ट्रिक देने वाला हूँ वो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो वर्ब हैं वे एक ही हैं, गो। और गो से रिलेटेड जो भी वर्ब के फ्रेजल वर्ब होते हैं उन्हें मैंने सारे एग्जाम से एक जगह इकट्ठा किया है, और इकट्ठा करने के बाद उसे मैंने आप लोगों को एक कहानी के रूप में आप लोगों को बताने के लिए सोचा है, एक निमोनिक ट्रिक मैंने देने के लिए सोचा है, जिसके माध्यम से आप लोगों को ये सारे फ्रेजल वर्ब्स याद हो जाएँ। तो हमारा ये जो फ्रेजल वर्ब है, ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है, गो से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब हैं, और जितने भी ये फ्रेजल वर्ब गो से रिलेटेड हैं इसके अलावा भी और भी होते हैं बच्चों, मैंने उनको नहीं चुना है। मैंने उनको इसलिए नहीं चुना है क्योंकि ये सारे जो हमारे हैं इनसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसी की चर्चा मैंने किया है, और हमारा ये इसका हेडलाइन है अनटूवर्ड इंसिडेंट। अनटूवर्ड का मतलब होता है बच्चों अनहोनी, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, ठीक है। अनटूवर्ड इंसिडेंट मतलब अनहोनी घटना, ठीक है। चलिए इसको मैं आगे शुरू करता हूँ, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखते हैं कि पहले मैं इसको एक बार सारे वर्ड को बोल देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। गो अबाउट टहलना, गो अहेड विकास करना, गो एलोंग विथ साथ देना समर्थन देना दोनों होता है, गो एट हमला करना, गो अवे भाग जाना, गो अवे विथ के साथ भागना, गो बैक ऑन पीछे हटना, गो बाय गुजरना, गो डाउन ढलना या इसको टू सेट भी बोलते हैं, है ना। गो फॉरवर्ड आगे बढ़ना, गो इन प्रवेश करना, गो ऑफ गोली मारना, गो ऑन जारी रखना, गो आउट बाहर जाना, गो ओवर जांच पड़ताल करना, गो थ्रो सफल होना, और गो अंडर असफल होना। इन सारे वर्ड की मैं आपसे चर्चा करूंगा, सारे फ्रेजल वर्ब का, और गो से रिलेटेड ही सारा है। इन पे फिर मैं आपको एक निमोनिक ट्रिक दूंगा, एक कहानी दूंगा, उस कहानी के माध्यम से मैं आज आप लोगों को ये याद करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कहानी क्या है। एक दिन शाम का समय था बच्चों, मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ, मेरा बहुत ही नज़दीकी बॉसम फ्रेंड था, जिगरी दोस्त था, उसके साथ मैं एक पार्क में गो अबाउट कर रहा था। गो अबाउट का मतलब होता है बच्चों टहलना, और हाँ आप लोग जानते हैं कि लाइफ में यदि गो अहेड करना हो, विकास करना हो, बढ़ना हो आगे, तो गो अबाउट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्या सही बात है ना, कि हमें सुबह सुबह डेली टहलनी चाहिए, सुबह का सवेरे का ठंडा हवा हमें खाना चाहिए, है ना। तो लाइफ में यदि गो अहेड करना है तो गो अबाउट करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं अपने फ्रेंड के साथ गो अबाउट कर रहा था, देखते हैं आगे। अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर गो अलोंग विथ था, अपने फ्रेंड के गो अलोंग विथ मैं बैठा हुआ था पार्क में। उसी समय हमारे ऊपर गो एट हो गया, मतलब गो एट मीन्स होता है हमला करना। अपने दोस्त के साथ गो अलोंग विथ था, उसी समय हमारे ऊपर गो एट हो गया, हमला हो गया हमारे ऊपर, ठीक है। और जब हमला हुआ तो हमला करने के बाद वे सारे बदमाश जो थे वहाँ से गो अवे भी हो गए, ठीक है। वहाँ से गो अवे मतलब होता है क्या, भाग जाना, वहाँ से भाग गए। अब है क्या, उस कंडीशन में जो हमला हुआ था वो मुझे आश्चर्य लगा कि वो हमला मेरे दोस्त के ऊपर ही हुआ था। तो जब मेरे दोस्त के ऊपर वह हमला हुआ तो मैं वहाँ से सोचा कि मैं भागूँ, मैं भाग सकता था वहाँ से अकेले, लेकिन फिर भी मैं भागा नहीं, अपने दोस्त के गो अलोंग विथ, अपने दोस्त के साथ ही वहाँ भागा, मैं वहाँ से अकेले नहीं भागा। यदि मैं वहाँ से अकेले भागता तो मैं अपने दोस्ती से गो बैक ऑन हो जाता बच्चों, मतलब अपने दोस्ती में जो मैंने वादा किया था कि हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, दोस्ती का मतलब यही होता है, तो वहाँ से मैं गो बैक ऑन हो जाता। इस कारण से मैं भी वहाँ से भागा नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ ही गो अवे विथ भागने लगा, अकेले नहीं भागा मैं। हम लोग क्या कहे,
कि वहाँ पार्क के रास्ते से बाहर निकल के हम लोग घर जाना चाह रहे थे, वहाँ से गो बाय होना चाह रहे थे, पार्क के रास्ते से वहाँ से हम लोग गो बाय हो रहे थे। गो बाय मीन्स होता है गुजरना, गुजरना मतलब पास अवे नहीं, मरना नहीं, रास्ते से गुजरना। हम लोग पार्क के रास्ते से वहाँ पर गो बाय हो रहे थे, तभी हो रहे थे क्योंकि उस समय क्या था, समय उस समय शाम का समय था और सूर्य जो है वो गो डाउन हो रहा था। गो डाउन मतलब होता है ढलना, यानी इसको बोल सकते हैं क्या बच्चों, टू सेट। शाम हो रही थी, सूर्य डूबने वाला था, सेट होने वाला था, गो डाउन हो गया था। तभी हम लोग उस पार के रास्ते से गो फॉरवर्ड हुए, आगे जैसा थोड़ा सा आगे बढ़े, गो फॉरवर्ड हुए। गो फॉरवर्ड मीन्स होता है क्या, आगे बढ़ना। तभी हमने क्या देखा कि जिन बदमाशों ने हम पे हमला किया था, वे बदमाश जो हैं किसी शॉपिंग मॉल में गो इन कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। उनके हाथ में बंदूकें थी, हथियार थे, ठीक है। और जैसे ही वे उस शॉपिंग मॉल के अंदर घुसे तो वहाँ घुसकर वे लोग गो ऑफ करने लगे, गोलियाँ चलाने लगे। और जब गोलियाँ चलाने लगे, अपने गोलियाँ जो चलाना उनका तब तक गो ऑन था, जारी था, जब तक कि शॉपिंग मॉल के अंदर जो मौजूद लोग थे वे लोग गो आउट ना हो जाएं, तब तक वे लोग गो ऑन रखे। क्या चीज़ को, गो ऑफ को, गोली चलाना को, ठीक है। इन सारे घटनाओं के बारे में पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस वहां पर गो ओवर करने आ गई, उसका जांच पड़ताल करने आ गई। और जांच पड़ताल करने के बाद अंततः पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वहाँ पर गोथ्रो भी रही, मतलब सफल भी रही, उस गुत्ती को सुलझाने में वो सफल भी रही, ठीक है। गोथ्रो रही, गोथ्रो मीन्स होता है सफल होना। और वे जो बदमाश थे उनका जो इंटेंशन था, जिस इंटेंशन से वे लोग शॉपिंग मॉल में घुसे थे, वो इंटेंशन उन लोगों का गो अंडर रहा, असफल रहा। गो अंडर मीन्स होता है बच्चों असफल रहना। तो आप लोग को वीडियो ये अच्छी लगे होंगे, और एक बार मैं फिर से इस पूरे कहानी को फिर से बोल देता हूँ, आप लोग सुनिएगा ठीक से। शाम का समय था, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ किसी पार्क में गो अबाउट कर रहा था। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गो अबाउट करना ज़रूरी है लाइफ में, यदि गो अहेड करना हो तो। अपने दोस्त के साथ गो अलोंग विथ था, मैं बैठा हुआ था। तभी हम लोगों के ऊपर किसी ने गो ऐड किया, हमला कर दिया। और हमला करने के बाद वहाँ से गो अवे भी हो गए, यानी वहाँ से भाग गए। और मैं चाहता तो वहाँ से क्या हो जाता, वहाँ से मैं चाहता तो भाग सकता था, लेकिन मैं अकेले भागा नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ ही गो अवे बीथ रहा, यानी अपने फ्रेंड के साथ ही वहाँ से भागने लगा। यदि मैं वहाँ पर अपने दोस्त को छोड़कर अकेले भाग जाता तो वहाँ पर दोस्ती से मैं गो बैक ऑन रहता, पीछे हट जाता। और हम लोग पार्क के रास्ते से बाहर निकले और वहाँ से गुजर के घर जाने लगे, क्योंकि शाम का समय हो गया था और सूर्य जो था गो डाउन होने लगा था, यानी सेट ढलने लगा था, शाम ढलने अंधेरा होने लगा था। हम लोग उसी प्रकार से वहाँ उस रास्ते से गो फॉरवर्ड होने लगे, ठीक है, गो फॉरवर्ड होने लगे उस रास्ते से घर की ओर। तभी हमने क्या देखा कि वे सारे बदमाश, इन्होंने हम पे हमला किया था, वे किसी शॉपिंग मॉल में गोइन कर रहे हैं, और गोइन करते के साथ वहाँ पर उन्होंने गोली भी चलाने लगी, चूँकि उनके पास हथियार भी थे। और गोली चलाना वे लोग गो ऑन रखे, कब तक, जब तक कि वहाँ से सारे लोग गो आउट नहीं हो जाते, जब तक सारे लोग वहाँ शॉपिंग मॉल के अंदर जो कस्टमर थे, ग्राहक थे, वहाँ के स्टाफ थे, वे जब तक बाहर नहीं निकले तब तक वहाँ पर गो ऑन रखे गोली को। और जब वे लोग गो आउट हो गए सारे स्टाफ्स और कस्टमर्स, तो उसके बाद पुलिस को सूचना गई। तो उसके बाद वहाँ पर क्या, पुलिस आई, पुलिस ने गो अंडर किया, उसका जांच पड़ताल किया, ठीक है। और जांच पड़ताल करने के बाद इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में वह गोथ्रो रही, पुलिस सफल रही। और जिस इंटेंशन से शॉपिंग मॉल में बदमाश घुसे थे उनके इंटेंशन पे पानी फिर गया, उनका इंटेंशन है जो कंप्लीट रूप से गो अंडर रहा, असफल रहा। तो बच्चों, मेरे ख्याल से मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेहनत का फल दें हमें भी।
अरे अभी तो लॉकडाउन में पेमेंट किसी को करना ही नहीं है, लेकिन कम से कम आप लाइक और शेयर तो कर सकते हैं। इसमें तो पैसा नहीं लगता है, आपको फ़ी भी नहीं लग रहा, आपको मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है। तो कम से कम आपसे मेरा आशा ये है कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, ताकि और बाकी लोग हमारे वीडियो को देख सकें, ठीक है, सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को ऑफ करता हूँ। थैंक यू।